हेलो दोस्तों, मैं हूं सबील और आज हम आए हैं एंटा फिल। यहाँ पे दरगाह है जिसका नाम है शेख मिश्री बाबा की, और दरगाह की पहले हम करेंगे ज्यारत। ज्यारत करने के बाद में यहाँ का फेमस है कबाब पाव, हम टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ का कबाब पाव। और उसके बाद में यहाँ का एक फेमस है शरबत की दुकान, और देखेंगे हम, ट्राई करेंगे शरबत। और चलो देखते हैं और ज्यारत करते हैं दरगाह की। दोस्तों, ये दरगाह है शेख मिश्री बाबा की, जो कि एंटॉप हिल में है, और ये एंटॉप हिल वडाला में आता है, मुंबई वडाला। एंटॉप हिल में बहुत बड़ी दरगाह है, और चलो हम अंदर चल के ज्यारत करते हैं। दोस्तों, ये शेख मिश्री बाबा की दरगाह है, मैंने ज्यारत कर लिया है, और आप भी ज्यारत कर लीजिए। फिर हम चलेंगे बाहर और देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। चीज रोल है, ये चटनी कबाब है, ये बदर चीज रोल है, ये हैदराबादी सीख है, ये बम्बई सीख है, ये कांडी है, ये तिरंगा, ये कैटलेस, अपना कैटलेस है। ये हमारा दोस्तों, दरगाह की जियारत करने के बाद अभी हम आ गए हैं बाहर रोड के ऊपर में, और यहाँ पे गर्मा गर्म कबाब बन रहा है, तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे कबाब पाव। तो चलो आते हैं और आपको बतलाते हैं यहाँ का रेट, यहाँ का जायका कबाब पाव। दोस्तों, गर्मा गर्म कबाब पाव ये हमारा आके बिल्कुल प्यार है। एक पाव के अंदर में दो कबाब, साथ में हरी चटनी, साथ में कांदा यानी कि प्याज डाला हुआ है। तो चलो इसको खा के ट्राई करते हैं और खा के टेस्ट करते हैं यहाँ का ये कबाब पाव। देखिए, ये एक कबाब पाव के अंदर में दो कबाब है, और साथ में इसमें कांदा है, प्याज है, चटनी है। टेस्ट को बढ़ाने के लिए तो चलो देखते हैं और ट्राई करते हैं और खा के इसका टेस्ट आपको बतलाएंगे। तो गर्मा गर्म कबाब है, और पाव के अंदर में जो चटनी, हरी चटनी, ग्रीन चटनी, पुदीने की,
ये धीरे धीरे कबाब का टेस्ट को बढ़ा देता है। कबाब बिल्कुल गर्म है, अभी कढ़ाई में से निकाला हुआ है, इसलिए इसका टेस्ट जो है कुछ ज्यादा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार। मोहम्मद हनीफ। तो हनीफ भाई, ये कबाब की दुकान कितने बजे से लगती है? 12 बजे लगती है। दोपहर में 12 बजे से? रात में 10:30 दस बजे बंद हो जाता है। और दिन में क्या बताया आपने? बिरयानी यहाँ पे लगती है। तो कौन सा, चिकन बिरयानी मटन बिरयानी? चिकन। इसका क्या रेट है? 80 रुपए का फूल है और हाफ 70 रुपए का। ओके दोस्तों, दरगाह के बाहर हमने कबाब पाव खाया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार था कबाब, और बहुत ही जायकेदार था। आप भी जब कभी यहाँ पे दरगाह पे आते हैं तो दरगाह पे आने के बाद यहाँ का कबाब पाव जरूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको यहाँ का कबाब पाव कैसे लगा। दोस्तों आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। दोस्तों गर्मा गर्म कबाब पाव खाने के बाद में अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं शरबत की दुकान पे। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज के शरबत मिलेंगे आपको, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है टर्मरी और एप्पल जूस। तो चलो यहाँ का शरबत हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और एक दूसरा एक आइटम दे दो, एप्पल दे दो। एप्पल है फ्रेंड्स, ये हमने लिया है एप्पल जूस, जो कि दरगाह के बिल्कुल गेट के ऊपर में दुकान है, और देखते हैं इसका टेस्ट। इसको एप्पल जूस पीने में तो बहुत ही मजेदार और टेस्टी है, और जो एप्पल बोला है कि इसमें एप्पल है, तो वाकई एप्पल जो हम लोग इसको पीते हैं तो एप्पल मुंह में आता है खाने के लिए, यानी कि एप्पल को फ्रेश करके इसमें डाला गया है। और स्वीटनेस की बात करें हम लोग तो ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है, यानी कि हल्का है, लाइट है, हर आदमी पी सकता है। और एप्पल जूस वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने चॉइस किया एप्पल जूस पीने के लिए। और एक बाइक लेते हैं। दोस्तों अगर आप शेख मिश्री बाबा की दरगाह पे आते हैं तो यहाँ का एप्पल जूस या स्ट्रॉबेरी आप जरूर ट्राई करिए। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये जूस कैसा लगा है, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और आपको मिले देखने के लिए सबसे पहले। फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ, नए जायके के साथ। टाटा बाय।